जम्मू कश्मीर पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्य के विशेष दर्जे को खत्म करने का फैसला किया है। इस दौरान जहां सरकार अपने फैसले से गदगद नजर आई, तो विपक्ष ने सदन के अंदर और बाहर केंद्र के फैसले का जबरदस्त विरोध किया। आर्टिकल 370 हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बदल जाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। सरकार के फैसले से बदल जाएगा जम्मू कश्मीर, क्योंकि सरकार ने अनुच्छेद 370 पर आज बड़ा फैसला लिया है, जिसके चलते राज्य के विशेष अधिकार खत्म हो जाएंगे। जी हां, अनुच्छेद 370 ही है जो जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देता है। इसके तहत भारत की संसद को जम्मू कश्मीर के मामले में सिर्फ 3 क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने का हक है, रक्षा, विदेश मामले और संचार के लिए कानून बनाना। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कोई भी कानून लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की इजाजत लेनी होती है, लेकिन अब से ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आज केंद्र के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर बदल जाएगा। जम्मू कश्मीर अब अलग राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा। विधानसभा का कार्यकाल 6 साल की जगह 5 साल होगा। लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी और इसका प्रशासन चंडीगढ़ की तरह चलाया जाएगा। अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को मिले विशेष अधिकार पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू होगा। अब देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीद पाएगा। जम्मू कश्मीर में अब अलग झंडा नहीं रहेगा, राष्ट्रध्वज तिरंगा ही रहेगा। जम्मू कश्मीर में अब दोहरी नागरिकता नहीं होगी। आरटीआई और सीएजी जैसे कानून भी यहां लागू होंगे। जम्मू कश्मीर में देश का कोई भी नागरिक अब नौकरी पा सकता है। इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर का अपना अलग से कोई संविधान नहीं होगा। आपको बता दें कि कश्मीर में 17 नवंबर 1956 को अपना संविधान लागू किया था। अब कश्मीर में आर्टिकल 356 का भी इस्तेमाल हो सकता है, यानी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।